हूं विवेका, आप देख रहे खबर बिहार 24। बिहार में अगर बात करी जाए राजनीति हलकों की, तो बिहार में पोस्टर वार फोटो नहीं दिए जाने के कारण जदयू में विवाद। आरसीपी सिंह के पोस्टर में ललन सिंह का फोटो ना होना विवाद का कारण, तो तेज प्रताप के कार्यक्रम में तेजस्वी का फोटो ना होना विवाद का कारण। यही धूरी में राजनीति घुरती रहती है, कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष। लेकिन जो मूल बिहार में जो अभी राजनीति घमासान मचा हुआ है, वह घमासान क्या है यह समझने की बात है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, हम और वीआईपी की सरकार, मिलीजुली सरकार चल रही है। जातीय जनगणना मुख्य मुद्दा बनकर अब बिहार में फिर एक बार उभरा है। जातीय जनगणना के मुद्दा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया। जातीय जनगणना के पक्षधर नीतीश कुमार स्वयं भी हैं। विपक्षी और सत्ता पक्ष मिलकर जातीय जनगणना कराने के पक्षधर हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे हर जाति की संख्या का पता चले और जाति विशेष को सुविधा पहुंचाया जा सकता है। कौन पिछड़े हैं, कौन दलित हैं, कौन अग्रे हैं, कौन अति पिछड़े हैं, इसकी जानकारी जातीय जनगणना होने से स्पष्ट हो पाएगी कि किसकी आबादी कितनी है। उस आधार पर उसे सुविधा मुहैया कराया जा सकता है, विकास के कार्यों में उसे भागीदार बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू इस पक्ष में है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकार में साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि उनका मानना है कि जातीय जनगणना होने से आपस में द्वेष फैलेगा, आपस में विवाद उत्पन्न होगा, आपस में घृणा उत्पन्न हो जाएगी। जबकि बिहार विधानसभा से दो बार प्रस्ताव भी जातीय जनगणना के लिए पास किया गया, केंद्र को भेजा गया, बैठक पिछले दिन हुई। विपक्ष के तेजस्वी यादव सहित अन्य विपक्षी, कांग्रेस, माले, सीपीएम, सीपीआई सहित सारे लोगों ने मिलकर नीतीश कुमार के साथ बैठक करा और नीतीश कुमार को यह अधिकार दिया गया कि आप प्रधानमंत्री से समय लेकर इस विषय में आवेदन देकर बात करें। आराम से बात करने के लिए अधिकृत किए गए। जातीय जनगणना आखिर क्यों भाजपा नहीं कराना चाहती? जातीय जनगणना के विरोध में भाजपा क्यों है? क्या मंडल कमंडल पर भारी होता दिख रहा है? मंडल और कमंडल की लड़ाई में कमंडल ने मंडल को पछाड़ने का काम किया और फिर एक बार जातीय जनगणना की शोभा बौखलाहट ने कमंडल को पछाड़ने का प्रयास किया। कमंडल को यह समझ में आ रहा है कि जातीय जनगणना होने से किस जाति की कितनी आबादी है यह स्पष्ट होगा और जो सामंती लोग हैं उनका पोल खुलेगा, अधिक सीट लेकर विधायक बनना, अधिक नौकरी में जाना, अधिक लाभ लेना, उन सवर्णों को परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर जातीय जनगणना होगी तो कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने कुशवाहा हैं, कितने मलाह हैं, कितने कोयरी हैं, कितने नोनिया हैं, कितने कहाड़ हैं, जोलहा हैं, पासवान हैं, चमाड़ हैं, धोबी हैं, यानी कि सारे जाति का आंकड़ा स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि जाति कितनी किसकी आबादी है। क्योंकि वर्षों से जातीय जनगणना नहीं कराया गया और जातीय जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अब बिहार में जातीय जनगणना हो,
इसके लिए राजनीति तेज हो गई है और राजनीति तेज होने से भाजपा एंड कंपनी के पेट में दर्द प्रारंभ हो चुका है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो अति पिछड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी सारे लोगों को पता चल पाएगा कि किसकी आबादी कितनी है और आबादी के हिसाब से उन लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ होगा। इस डर से जातीय जनगणना से भागना प्रारंभ भाजपा कर दी है। क्या आप नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो? क्या स्वर्ण जाति में ब्राह्मण राजपूत भूमिहार लाला कितने आबादी में हैं और पिछड़े दलित अति पिछड़े अल्पसंख्यक और आदिवासी कितने हैं? अगर स्पष्ट हो जाए तो क्या बुरा है? अगर स्पष्ट हो और उसके मुताबिक लोगों के जीवन के उत्थान के लिए प्रयास सरकार करे तो इसमें कोई बुराई नहीं झलकती। लेकिन कमंडल थमाना मेन उद्देश्य है। मंदिर के नाम पर, कमंडल के नाम पर भूमि पूजन, मूर्ति पूजा और कई ऐसे आडंबर फैलाने वाले तत्व नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं और पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया राजद की ओर से, उसमें कहा गया कि मंडल कमीशन में छूटे बिंदुओं को भी लागू किया जाए, जातीय जनगणना कराया जाए और आरक्षण उचित प्राप्त हो सबों को, इस पर भी कदम उठाया जाए, मांग जोरदार की गई और जन समर्थन भी तेजस्वी यादव को पूरे बिहार में जबरदस्त मिला। इस मुद्दे पर यह मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है और नीतीश कुमार भी इस मुद्दे के साथ हैं। वक्त रहते देखना है कि क्या भाजपा जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार होती है, वरना कर्नाटक के तर्ज पर बिहार सरकार स्वयं अपने खर्चा से जातीय जनगणना कराकर बिहार में हर जाति की संख्या का पता लगा लेगी। नीतीश कुमार स्पष्ट कहते हैं कि जातीय जनगणना होने से लोगों को विकास की ओर ले जाने में सबसे ज्यादा सुविधा होगा, लोगों को हक मिलेगा, लोगों को अधिकार मिलेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जा सकती है जातीय जनगणना होने के बाद। नीतीश कुमार की सोच अच्छी है, इस सोच में तेजस्वी यादव भी साथ हैं, दोनों ने मिलकर यह अभियान चलाया है। अब देखना यह है कि क्या कर्नाटक के तर्ज पर बिहार सरकार स्वयं कराती है जातीय जनगणना या केंद्र सरकार इस पर कोई अमल करके जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार होती है, वक्त रहते पता चल पाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने किया है तो ना करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें दोस्तों यारों मित्रों में और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।